वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों 2018 में मूवी आई संजू, जिसमें रणवीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था। और अब मूवी जो आ रही है नेक्स्ट मंथ 22 जुलाई को, वो उस मूवी में संजय दत्त के साथ खुद काम कर रहे हैं रणवीर कपूर, जिस मूवी का नाम है समशेरा। तो उसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है 24 जून को। तो चलिए ट्रेलर शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रेलर में क्या क्या बताया गया है स्टोरी के बारे में, फिर करते हैं इसके बारे में बात। ये कहानी है उसकी, किसकी? जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। ये कहानी है शमशेरा की। कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान चुहा निकला उसको जीते थे। रणबीर कपूर, चलो बताओ तुम सब खमेरन और मैं कौन। सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है। त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। मेरी तिजोरी कहाँ चली जा रही है? आपने देखा ये वाणी कपूर ने 1871 में 2022 के कपड़े क्यों पहने भाई? बॉलीवुड है, कुछ भी चलता है। चलो फिर पागल हो गया, अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला कहा हूं, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता जस साहब भी है इसमें। तो नया शमशेरा कहां से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब, आप ही हमें उन जंगलियों से मुक्ति दिला सकते हैं साहब। देखो दोस्तों, जो यहां तक मैंने जो ट्रेलर समझा है उसमें क्या होता है कि रणबीर कपूर जो कि शमशेरा का किरदार निभा रहे हैं, वो उस समय डकैत होते हैं। तो वो डकैती करते हैं, जितने भी आपके अमीर लोग होते हैं उनकी शादियों में जाके हीरे जवाहरात जितने भी उनके आभूषण होते हैं ज्वेलरीज वगैरह उनको टपाते हैं और लेके फरार हो जाते हैं। तो उसी की कंप्लेन लेके वो लोग जाते हैं पुलिस में, जो इस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं। तो देखो फिर आगे क्या होता है। इंडियन डर्ट, इंडियन एंड क्लीन, व्हाइट एंड ब्लैक सर। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। ये देखो फिर इसने 2022 के कपड़े पहने। अबे क्या दिखा रहा है। तेरी माँ का मुकुट। What a joke! तुझ में शमशेरा का खून है, निडर बेबाक। A father's legacy, a son's destiny. Father son, destiny legacy. धर्म से आजाद। अरे तो ये है फादर लेगेसी सन्स डेस्टिनी। तो दोस्तों फादर और सन का ड्यो दिखेगा इसमें, यानी कि डबल रोल में दिखेंगे आपको रणबीर कपूर। तो जहां तक आपने देखा 22 जुलाई को मूवी रिलीज हो रही है, यानी कि ब्रह्मास्त्र से पहले, तभी उसको इतना लंबा टाइम दिया है। रणबीर कपूर इस मूवी में एक डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि रिच पीपल से उनके फैमिली फंक्शन में या मैरिज में कुछ भी होता था तो वहाँ पे जाकर के उनकी ज्वेलरीज वगैरह पैसे वगैरह सब चुरा के भाग जाते थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर वो लोग जाते हैं ब्रिटिशर्स पुलिस पर, और पुलिस वाले संजय दत्त को भेजते हैं कि आप उन्हें पकड़ो और जो भी सजा है वो दो।
तो इस मूवी में लीड हीरोइन है वाणी कपूर, जो कि 2022 के कपड़े 1871 में पहन के घूम रही हैं। यार मूवी जब पुरानी बना रहे हो अलग, पीछे जाके 1871 में दिखा रहे हो, तो यार उसके भी तो कपड़े कम से कम पुराने करो। यो तो मैं 22 के कपड़े पहने घूम रही है अभी। सबसे मेन बात, इसमें आपको रणबीर कपूर के डबल रोल देखने को मिलेंगे, जो कि फादर और सन का डियो होगा। दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओवरऑल मूवी की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से बनके रुकी हुई थी कोविड की वजह से, कि रिलीज़ अब होगी तब होगी, तो 22 में फाइनली ये मूवी रिलीज़ हो रही है, और आपकी नेक्स्ट मंथ यानी कि July 22nd को ये रिलीज आपके सिनेमाघरों में लग जाएगी।